नमस्कार, मैं हूं हिमांशु वाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी लल्लन टॉप पर। आज किस्सा गोई में एक भूली हुई दास्तां किस्सा, एक ऐसे इंसान का जो हिंदुस्तानी तारीख में बहुत अहम है लेकिन तकरीबन बेसरा दिया गया। लखनऊ में बाग मौलवी अनवार में हर बृहस्पतिवार को एक बड़ी भीड़ उमड़ती है लोगों की। एक कब्रिस्तान है जिसमें लोग आते हैं अपनी अपनी तरह से अकीदा लेकर, कुछ छाड़ फूक के लिए आते हैं, कुछ मन्नत लेकर आते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है इसी कब्रिस्तान में एक बिसराई हुई सी कब्र है मौलाना हसरत मोहानी की। मौलाना हसरत मोहानी जो कि अजीम शायर थे और हिंदुस्तान की आज़ादी के बहुत बड़े सेनानी थे। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, मौलाना हसरत मोहानी ही की लिखी हुई गज़ल है। और यही हसरत मोहानी थे जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। पक्के अपने उसूलों के इतने कि 1903 में उर्दुए मौला नाम से एक रिसाला शुरू किया अलीगढ़ से बीए किया था और बीए करने के तुरंत बाद। और इस रिसाले में स्वदेशी के लिए उसी ज़माने से वकालत करने लगे, लेख लिखने लगे, और सिर्फ लेख ही नहीं लिखे बल्कि अलीगढ़ में मोहानी स्वदेशी स्टोर भी खोला। और अलीगढ़ से जब वो आ गए कानपुर तो वहाँ भी उन्होंने अपना स्वदेशी स्टोर खोला। और सिर्फ स्टोर खोलने तक ही महदूद नहीं थी उनकी बात, उनकी कोशिश। किस्सा ये है कि एक दफ़ा लखनऊ में गोहलागंज इलाके में वो अपने किसी दोस्त के घर रुके। शदीद ठंडक का मौसम था, जनवरी का महीना था, और उस दोस्त ने उन्हें ओढ़ने के लिए जो कंबल दिया वो इंग्लैंड का बना हुआ था। मौलाना हसरत मोहानी जब उन्होंने ये देखा कि इस पर लिखा हुआ है मेड इन इंग्लैंड, तो वो रात भर सर्दी खाते रहे, ठिठुरते रहे, मगर वो मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ कंबल ओढ़ना उन्होंने गवारा नहीं किया। इतने पक्के थे अपने उसूलों के, और गंगा जमुनी तहजीब की सचमुच की आबरू थे। जितनी बार वो हज करते थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई बार हज किया, तो जितनी बार वो हज करते थे उतनी बार हज से लौटकर मथुरा और वृंदावन भी जाते थे कृष्ण कन्हैया के दर्शन के लिए। उनसे किसी ने पूछा कि आप हज करने के बाद यहाँ मथुरा वृंदावन क्यों जाते हैं, वो भी इतनी पाबंदी से। मौलाना बोले, क्योंकि मुझे अपने जी में ऐसा लगता है कि मेरा हज कबूल ही नहीं होगा, मेरा हज मुकम्मल ही नहीं होगा जब तक कि मैं वृंदावन और मथुरा जाकर कृष्ण के दर्शन नहीं कराऊंगा। इतने बड़े भक्त थे कृष्ण के, बहुत सारे शेरों में उन्होंने कृष्ण के लिए अपनी अकीदत का इजहार किया। दूसरी तरफ फ्रीडम मूवमेंट में इस तरह से लगे हुए थे कि एक दफ़ा 1907 में उर्दू मौला जो उनका रिसाला था उसमें स्वदेशी का जब वो समर्थन कर रहे थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ लेख लिख रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने एक लेख से गुस्सा होकर उन्हें कैद की सज़ा सुना दी और इसके साथ ही 500 रुपये जुर्माना भी लगाया और रोज़ एक मन अनाज पीसने का प्रावधान किया। यहाँ मौलाना हसरत मोहानी जेल में चक्की भी पीसते थे, शायरी भी करते थे और लेख भी लिखते थे। और उनका ये शेर बहुत मशहूर हुआ कि है मश्क सुखन जारी, चक्की की अजियत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। हसन रूहानी पहले आदमी थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज का, आज़ादी कामिल का प्रस्ताव रखा था और 1921 में कांग्रेस अधिवेशन में बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव लाए थे। उस वक्त तो ये प्रस्ताव खारिज हो गया था लेकिन बाद में 1929 में कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को अपनाया। तो इतने अजीम शख्स थे वो, आज़ादी के बाद भी चैन से नहीं बैठे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो हिस्सा थे और उसके बाद वो पहले आदमी थे जिन्होंने ये बात बहुत ज़ोर देकर कही थी कि आज़ादी के बाद जो जनप्रतिनिधि हों, जो विधायक हों, जो सांसद हों, उन्हें किसी भी तरह का विशेषाधिकार या प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि असल में अगर वो जनता के नुमाइंदे हैं तो उन्हें जनता ही की तरह दिखना चाहिए, रहना चाहिए, और उनके मसाइल, उनके मुद्दे, सब कुछ आम जनता ही की तरह होना चाहिए। और मौलाना जब तक जिंदा रहे आज़ादी के बाद इसी तरह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, और जब वो मर गए तब भी इतनी सादगी और गुमनामी से मरे
कि आज भी बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मौलाना हसरत मोहानी का असल मर्तबा, असल मकाम, असल योगदान क्या था। तो आज के किस्सा गोई उनकी नज़र। शुक्रिया।